हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक जबरदस्त अनाउंसमेंट। हर रोज एक वीडियो सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के लिए, और हर वीडियो में डिस्कस करेंगे एक केस लॉ जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में दिया हुआ होगा। सो अगर सीए फाउंडेशन में 5 एफ हैं तो 5 एक्स के अंदर जितने भी केस लॉज हैं वो सब कवर करेंगे हम लोग एक केस लॉ हर रोज सीए फाउंडेशन के लिए। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट केस इज स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। ये हमारा फर्स्ट केस है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये केस कौन से टॉपिक के ऊपर है, तो आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सर, हर कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम दो पार्टीज तो होने चाहिए ना, ये बात तो हम हर किसी को पता है। ऐसा क्यों, दो पार्टीज क्यों चाहिए? सर, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में ऑफर डिफाइन किया हुआ है, एंड बाय वेरी दैट डेफिनेशन ऑफर का मतलब क्या होता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज व्यू टू डू और अब्स्टेन फ्रॉम डूइंग। मतलब एक पर्सन दूसरे को अपनी विलिंगनेस बता रहा है कुछ करने का या कुछ मना करने का, ठीक है, और उसका इंटेंशन है सामने वाले का असेंट लेने का, तो हम ऑफर बोलते हैं। सर, हमें ये भी पता है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स प्रॉमिस, और यही प्रॉमिस में क्या होता है सर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस कंसिडरेशन मिला दो तो अग्रीमेंट बन जाएगा। और सर, यही अग्रीमेंट अगर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है। इसी बात के ऊपर केस लॉ है हमारे पास, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। फ्रेंड्स, कुछ पार्टनर्स मिलके एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। केस का फैक्ट बता रहा हूं, एक पार्टनर की डेथ हो गई, रिमेनिंग पार्टनर जो सर्वाइविंग पार्टनर है उन्होंने डिसाइड किया कि फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। डिसॉल्व कर दिया फॉर्म को, यहां पे फॉर्म डिसॉल्व हो गया सर। ओके सर, जब फॉर्म डिसॉल्व हुआ तो फॉर्म में कुछ सरप्लस भी था, कुछ सरप्लस ऑफ एसेट था। ये आपस में जो सर्वाइविंग पार्टनर थे और जो डिसीज पार्टनर मतलब जिनकी डेथ हो गई है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने जिस जो अग्रीड रेशियो था उस रेशियो में बांट लिया, कोई इशू नहीं। यहां तक पिक्चर में आते हैं सेल टैक्स ऑफिसर, सेल्स टैक्स ऑफिसर बोलते हैं रुको स्टॉप, आपने आपस में तो बांट लिया, हमें टैक्स दो। ही डिमांडेड टैक्स। फर्म ने क्या बोला होगा, क्या चलो फर्म तो बची नहीं, फर्म तो डिसॉल्व हो गई, तो सर्वाइविंग पार्टनर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने क्या बोला होगा, बोला सर इस पे टैक्स कैसा, ये तो हम लोग ज्वाइंट ओनर हैं, हम ज्वाइंट ओनर हैं, हमने आपस में बांटा है, तो सर हम पे किस बात का टैक्स। सही बात है। कोर्ट ने क्या बोला, मामला कोर्ट पहुंच गया, कोर्ट ने बोला कि सर सेम पर्सन बायर और सेलर नहीं हो सकता, ठीक है, और जॉइंट ओनर्स जो होते हैं दे आर लीगली कस्ट्यूडेड वन पर्सन ओनली, तो आपस में अगर कुछ खरीद रहे, आपस में अगर कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं तो सेल थोड़ी ना होगा, सेल परचेज थोड़ी ना होगा। सर एक सिंगल पर्सन जो ज्वाइंट ओनर्स हैं सिंगली, जो कई सारे लोग मिलकर अगर एक एसेट खरीदेंगे तो ज्वाइंट ओनर कहलाएंगे, है ना। तो सर अगर कई सारे लोग मिलकर के एक एसेट खरीदे हुए हैं और आपस में उसी को बांट लेते हैं तो कोई सेल नहीं हुआ, सेल नहीं हुआ तो सेल टैक्स नहीं होगा। बस यही था हमारा केस, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक अनाउंसमेंट शेयर करना चाहता हूं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीए फाउंडेशन के लिए और आपका आरटीएम ड्यू है मई 2021 में, तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बैच जिसका नाम है आरंभ बैच फॉर मई 2021 अटेम्प्ट। फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्लस पे ये बैच है, अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करना है आपको तो मेरा कोड यूज करना RKCA10, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का जो भी प्राइस होता है अनअकैडमी प्लस के ऊपर। फ्रेंड्स, ये बैच 18th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और इस बैच में एडुकेटर हैं सुधीर सचदेवा सर, जतिन बिरला सर, सतीश बहेड़ी सर। सुधीर सर पढ़ाएंगे आपको अकाउंट्स और बिजनेस लॉ, जतिन सर मैथ्स पढ़ाएंगे, सतीश बहेड़ी सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। सर, अनअकैडमी प्लस की खास बात क्या है कि लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती है। दिस गिव्स यू द एक्सपीरियंस ऑफ लाइक फेस टू फेस क्लासेस। आप वहां पे अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेश्चन टाइम में डाउट्स पूछ सकते हैं, इमीडिएट बेसिस पे सारे एडुकेटर्स आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करते हैं, आप वहां पे क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होता है सर अनअकैडमी, लिटरली इट्स अ ट्रू गिफ्ट फॉर यू। सर कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट इज वेरी चीप अनअकैडमी, अभी आज के टाइम पे 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 17,500 में दे रहा है और 24 मंथ का अगर आप फाउंडेशन और इंटर बोथ करना चाह रहे हैं ना 21,000 का, कोई कॉस्ट नहीं होगा सर, 875 रुपए महीने का,
875 रुपीस पर मंथ में आप पूरा सीए फाउंडेशन और पूरा सीए इंटर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है सर। अगर आपने फॉर एग्जांपल आरएम बैच सब्सक्राइब कर लिया और मेरा ऑलरेडी बैच चल रहा है एकेडमी पे जिसका नाम है प्रिपेयर स्मार्ट बैच, तो आप प्रिपेयर स्मार्ट बैच को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर एक सब्जेक्ट के कई कई टीचर्स हैं एकेडमी पे, ठीक है, तो आप बाकी सब सब टीचर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा और कोई लिमिट नहीं है। 1.2 टाइम देखना है, 1.5 टाइम देखना है, अनअकैडमी स्टूडियो गिफ्ट फॉर यू। डू रिमेंबर माय कोड इफ यू वांट टू वॉच फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी आल्सो। मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे डली हुई है, आप मेरा प्रोफाइल पे जाकर के वो क्लासेस भी देख सकते हैं। उसके लिए इनवाइट कोड मांगेगा तो आपको इनवाइट कोड में भी यही RKCA10 यूज करना है। चलिए let's come back to the topic. So sir, court ने ये बोला कि sir, it was held that there, it was not a sale because the partners being joint owner of those assets cannot be both the buyer and seller. That's so simple. एक ही person buyer और seller कैसे हो सकता है ना? Court ने decision दिया. Question कैसे आएगा exam में? When on dissolution of a partnership, the assets of the firm were divided among the partners. The sale tax officer wanted to tax this transaction. Comment, आपका comment मांग लिया whether the officer will succeed. Sir, answer क्या होगा? Obviously the sale tax officer will not succeed. Sir, the sale tax officer will not succeed. लेकिन जब भी हम लोग आंसर करते हैं तो हम लोग रेलेवेंट पॉइंट जरूर बताते हैं कि रेलेवेंट प्रोविजन क्या है केस स्टडी इस क्वेश्चन में। तो हम लोग प्रोविजन बता देंगे, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू पार्टीज, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन बायर एंड वन सेलर। फैक्ट बता देंगे इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि फर्म डिसॉल्व हो गई और सर्वाइविंग पार्टनर्स ने और लीगल हेड्स ने आपस में एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। डिसीजन दे देंगे कि सेल टैक्स ऑफिसर सक्सीड नहीं होगा और हम लोग एक रेफरेंस दे देंगे, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एसेट कंपनी एंड दैट्स इट फ्रेंड्स। यू विल गेट 4 out of 4 और 3 out of 3 आज के टाइम पे इसके भी चांसेस 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। अर्लियर ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में आते थे बट अब 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में मैक्सिमम आएगा और आपको 3 out of 3 मिल जाएंगे। So have a very wonderful CA career ahead, friends. Keep supporting me. आपके support से मैं बहुत motivated होता हूँ और अगर आप support करते रहेंगे तो मैं एक से बढ़कर एक series YouTube पे direct आपके inbox में लेकर के आऊँगा। अगर अभी तक चैनल subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजिए, bell icon को जरूर press कर लीजिए कि जब भी मैं video लेकर के आता हूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हर रोज एक वीडियो आएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आपके सपोर्ट से मैं आपके लिए और भी बहुत कुछ वंडरफुल लेकर के आने वाला हूँ, सीए फाउंडेशन के लिए भी और सीए इंटर के लिए भी। Bye bye guys, keep loving yourself, keep loving law and keep loving ourselves. Bye bye.